राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब भाई सोमवार की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है और आज हरतालिका तीज भी है। अब त्यौहार के दिन आप भी भगवान शिव का ध्यान करें तो भाई सब कुछ अच्छा होगा। अब अनुपमा की ज़िंदगी में भी कुछ कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब उसे गुरु माँ से जुड़ी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आगे उसे झटका भी लगने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं अक्षरा और अभिमन्यु के बीच की नज़दीकियाँ, लेकिन पार नफरत से भरा विस्फोट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं गोमय किसी के प्यार में ईशा मिल गई है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में सोमवार की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि अनुपमा के हाथ कुछ बड़ा सबूत लग गए हैं जिनसे पता चलता है कि गुरु माँ का वाकई कोई बेटा था। अब अनुपमा ने मालती देवी के बेटे की तलाश शुरू करती है, लेकिन बेचारी ये नहीं जानती कि बगल में छूरा और शहर में ढिंडोरा, मतलब जिस बेटे को वो ढूंढ रही है वो तो उसी के घर में रहता है और उसी का पति यानी अनुज है। अब देखना होगा कि सच को सामने आने में कितना समय और लगेगा। आज के एपिसोड में होता ये है कि अनुपमा को मालती देवी के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है और साथ ही अनाथ आश्रम की पर्ची भी मिलती है। पहले तो अनुपमा को समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसको लगता है कि कहीं गुरु माँ ने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में तो नहीं छोड़ दिया था। अब अनुपमा अंदाज़ा लगाती है कि गुरु माँ के बेटे की उम्र भी अनुज जितनी होगी और उसे अब ढूंढना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब वो अनाथ आश्रम में तो रहता नहीं होगा। जिसके बाद अनुपमा ये बात अनुज को बताती है। अनुज भी गुरु माँ के बेटे को ढूंढने में अनुपमा का साथ देता है। वहीं दूसरी तरफ बा का सभी लोग बड़ा ध्यान रख रहे हैं, किंजर बा को सूप पिला रही है, लेकिन बा को तो सूप पीना अच्छा ही नहीं लग रहा, लेकिन सबके कहने पर बेचारी सूप पी ही लेती है। और वनराज भी बा का पूरा ध्यान रखता है और रात में जाग जाग कर बा और बापूजी को देखता है। वनराज बा के सामने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहता है कि वो दोनों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन बा कहती है कि देख बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। लेकिन वनराज कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन दादा बनने के बाद भी आपके बिना रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अब अगले दिन सुबह ही अनुपमा को बुरी खबर मिलती है। अब समर रोते हुए अनुपमा के पास आता है और बताता है कि उसका बचपन का दोस्त कार एक्सीडेंट में गुजर गया। समर कहता है कि मनोज की पत्नी है, बच्चा है, माँ बाप हैं, उन्हें कौन देखेगा। अब अनुपमा भी समर को संभालने की कोशिश करती है, जिसके बाद अनुपमा गुरुमा के पास जाती है और उन्हें पिछले दिनों की याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गुरुमा को तो कुछ याद ही नहीं आता। अब आगे आने वाले एपिसोड में बच्चे की फोटो देख गुरुमा भावुक हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें कुछ हो रहा है और किसी को तो कुछ भी नहीं हो रहा। अरे हम अक्षरा की बात कर रहे हैं, जिसके मन में अभिमन्यु के लिए दाना भर भी प्यार नहीं बचा है, जबकि अभिमन्यु का प्यार तो उबल उबल कर बाहर आ रहा है। ये अभिमन्यु के प्यार का जो समंदर है ना, अब अक्षरा को डुबोने वाला है, क्योंकि अब भावनाओं पर संयम करना अभिमन्यु के लिए मुश्किल हो रहा है। अभीर भी यही चाहता है कि दोनों की दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ जाए। होता ये है कि अक्षरा को अभीर को डांट लगाकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो खुद जाकर अभीर से माफ़ी मांगती है और उसे समझाती है कि अभिमन्यु से शादी वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभिनव की यादों के सहारे ही ज़िंदगी बिताना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु और पूरा बिरला स्टाफ परेशान है, क्योंकि बिल्डिंग का केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिल रहा। अब अभीर अभिमन्यु को फ़ोन करता है, लेकिन अभिमन्यु खुद को बिज़ी बताता है। अब अभीर को महसूस होता है कि वह उसका डॉक्यूमेंट किसी परेशानी में है, सो वो अक्षरा को बताता है और अक्षरा भी बिना समय गवाए वहाँ पहुँच जाती है। जिसके बाद अभिमन्यु अक्षरा को केस की सारी डिटेल समझाता है और इस दौरान अभिमन्यु अक्षरा की खुली जुल्फों में खो जाता है। अब दोनों के बीच नोकझोंक भी होती है, लेकिन मीटिंग से पहले ही अक्षरा का कुर्ता फट जाता है। अब अभिमन्यु हिम्मत करके अक्षरा को बताता है और अपनी जैकेट भी देता है, लेकिन अक्षरा तो पहनने से ही मना कर देती है। जिसके बाद अभिमन्यु अक्षरा को कवर करके सारी मीटिंग करवाता है। अब मीटिंग में आए अधिकारी भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्थ अस्पताल में कुछ बड़ा घोटाला कर रहा है। उसे लग रहा है कि हर बार अभिमन्यु ही मालिक बन जाता है। अब वो किसी गलत इंसान से हाथ मिलाता है और ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ घोटाला करता है। वहीं अक्षरा के साथ समय बिताने के बाद अभिमन्यु अपनी फीलिंग पर काबू नहीं पा रहा है। शेफाली अभिमन्यु को समझाती है कि जो दिल में है सो बता दो। अब अभिमन्यु अक्षरा से अपने दिल की बात कहने वाला है। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में ईशान सभी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाला है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ईशा मिल गई है। भाई सभी और ईशान की मेहनत ने ईशा को ढूंढ निकाला है, लेकिन ईशान को ईशा के मिलने से कुछ खास खुशी नहीं है, वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है।
होता ये है कि ईशान सभी को बताता है कि वो पुराने घर में अपने परिवार के साथ रहता था और वहाँ ईशा उसे खूब प्यार करती थी जब वो छोटा था। अब सभी को खटकता है कि कहीं ईशा मैम वहीं ना हो। अब जैसे ही सभी और ईशान उस घर पर पहुँचते हैं तो ईशान को अपनी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वहीं ईशा उसी घर में ईशान को ढूंढ रही है। वो खुली आंखों से ही ईशान का सपना देख रही है जिसमें ईशान साइकिल चला रहा है और वो उसे खाना खिला रही है। अब शांतनु ईशा को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन बेचारी बदहवाल सी ईशा कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। वो ईशान को देखकर प्यार की भीख मांगने लगती है और उसे आई कहने के लिए हाथ जोड़ती है लेकिन पत्थर ईशान तो वहाँ से भी चला जाता है। अब शांतनु ने बड़ा बम फोड़ दिया है और वो ईशा को लेकर पुराने घर में रहने का फैसला सुनाता है। अब अक्का साहेब और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन शांतनु अपने फैसले पर बिल्कुल अड़ी है। वो ईशा के साथ ही रहेगा अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। अब शांतनु एक एक करके सबको घर में सुनाता है, खासकर ईशान को। अब अक्का साहेब शांतनु को समझाने के लिए कहती हैं कि देख ईशा तेरे को दोबारा छोड़ कर चली जाएगी। अब ईशान एक बार फिर अकेला हो गया है, पहले तो माँ ने छोड़ दिया और अब पिता ने। अब आगे आने वाले एपिसोड में ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि सभी को गुंडे किडनैप करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। और आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके बताते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।